वीडियो कल ही शूट हो चुका था, लेकिन अभी इसको एडिट करने में बहुत टाइम लगा, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो हम आप तक कल पहुंचाएंगे। सो आप लोग सामान देखने के लिए एक्साइटेड होंगे, तो चलिए आपको हम शो करते हैं। तो चलो मैरिज के लिए, जब मिनी की मैरिज होगी तो उसमें जो उनका पूरा ड्रेस अप होगा वो उसमें ये पर्स रहेगी। जो छोटी छोटी स्मॉल चीज़ें होती हैं ना, ये एक तो बहुत कॉस्टली होती हैं, बट मैं सच बताऊँ ये बहुत ज़्यादा ही प्रिटी होती है। और मैंने जो सेकेंड आइटम लिया है वो लिए हैं ये सन ग्लासेस, जो कि आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। और ये सन ग्लासेस स्पेशली आए हैं मेहंदी हल्दी के लिए, क्योंकि हल्दी में हम सब लोग एक बहुत अच्छा सा डांस प्रेफर कर रहे हैं, सो उसमें जो सन ग्लासेस हैं वो नीडेड है, इसीलिए पूरी मार्केट में घूम घूम के उन्होंने सन ग्लासेस दिए। ये लिए हैं हैंकी, ये है किट्टू की हैंकी, एंड ये लिया है हमने, आपको दिखाया था ये हेयरबैंड वगैरह। सो इन लोगों की ये जो हेयरबैंड है वो फाइनल हुए हैं, बच्चों की पसंद है क्या कर सकते हैं। और स्पेशली हल्दी और मेहंदी के लिए जो चिमटियाँ हल्की हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये जो ये हल्दी के लिए है, रुको, ये जो है ये हल्दी के लिए है, और चलिए आपको, और ये लिए हैं रबर बैंड, और ये गाइस सबसे बढ़िया तो ये बटरफ्लाई वाली, और एक ये ली है बटरफ्लाई वाली चिमटी, ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। और इसकी कॉस्ट आप सोच सकते हैं कि नॉर्मल सी चीज है, ये मुझे 100 रुपीज की पड़ी है पूरी, क्योंकि जो बच्चों का सामान होता है ना होता कम ही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। सो आप लोग भी जानते होंगे। और क्या लिया है गुंगू? बस, और बाकी जो ड्रेस वगैरह की शॉपिंग है और भी बैंगल्स वगैरह लेनी थी वो सब बाद में लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत शॉपिंग पेंडिंग है। और बस सामान से बॉयल हो गया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ चाउमीन, और दोनों ही मैं डाल दूंगी इसमें, दोनों ही टुकड़े, और बाकी की जो बची हुई है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसे हम अच्छे से चला देंगे ताकि ये पूरी अच्छे से, इसको फुल पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए और आपस में चिपके भी नहीं और अच्छे से पक भी जाए। सो यहाँ पे ये देखिए चाउमीन बहुत अच्छे से पक गई है और बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, मैं आपको आगे शो कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको ठंडे पानी से वॉश कर दिया है, आपस में सारे इसके जो लच्छे हैं वो अलग अलग हैं, सो आप ठंडे पानी से ज़रूर वॉश करिए। देन उसके बाद मैंने क्या किया है, इस चाउमीन में मैंने सारे सॉस मिला दिए हैं, जो विनेगर था, सोया सॉस था, और अभी मैं जो टोमेटो सॉस है वो मिला रही हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं चिली सॉस नहीं ऐड करूँगी, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप कढ़ाई में डालते हो तो उसमें सॉस नहीं, उसमें एक तो सॉस सही से मिलते नहीं हैं,
तो आप जब यहीं पे ये वाला स्टेप कर लेते हो तो आपको सिर्फ कढ़ाई में फ्राई करना रह जाता है। सो आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा तो फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। इसको बहुत अच्छे से सारा कुछ हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मिक्स हो गया है, और यहाँ पे कढ़ाई में टमाटर और प्याज, मैं इसको अच्छे से कुक कर रही हूँ। बाकी कुछ आइटम नहीं था तो मैंने यही डाल दिया। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, मिर्च वर्च कुछ नहीं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब ये जब तक टमाटर हल्का पल्पी हो जाएगा तब तक हमें इसे कुक करना है। और इसके बाद मैं ये जो चाउमीन है ये अच्छे से मैंने सारे सॉस मिला के इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया ताकि सारे जो सॉस वगैरह हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं। यहाँ पे देखिए टमाटर बिल्कुल पल्पी हो गया है। अभी मैं इसमें जो चाउमीन है वो ऐड कर दूँगी, क्योंकि जाड़े वगैरह आ गए ना तो अब सब्जियों को या फिर कुछ ऐसे फास्ट वगैरह खाने का मज़ा आने वाला है। सो अभी मैं इसमें ये चाउमीन ऐड कर रही हूँ। धीरे धीरे करके सारी चाउमीन हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको एक बार चला देंगे। तो यहाँ पे सारी चाउमीन मैंने ऐड कर दी है, इसको हम धीरे धीरे चलाएंगे। देखिए अगर इस स्टेप पे आप सॉसेस मिलाएंगे ना तो फिर वो अच्छे से मिलते नहीं है, और ये तो मस्ट है मिलाना। ये हक्का नूडल्स का जो मसाला होता है आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था तो मैं सोचा इस बार ट्राई करती हूँ, तो फिर मैंने डाला, सच में क्या टेस्ट आया था। सो इसे हम डाल देंगे और अच्छे से इसे हम मिला देंगे, थोड़ी देर और कुक होने देंगे। ये घर की स्टाइल वाली चाउमीन है, मैंने सोचा था कि बनेगी और बनी भी। अभी एक बार ट्राई करिएगा। सो गाइज़ यहाँ पर चाउमीन बनके तैयार हैं, अभी हम मम्मी को टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कि कैसी बनी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मम्मी बताइए कैसी बनी है? बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी है। कैसी बनी चाउमीन? बहुत अच्छी। कड़वी तो नहीं है? नहीं।